बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बीजेपी के खिलाफ अपना प्लान बना दिया है। जेडीयू ने सीएम नीतीश की उत्तर प्रदेश और झारखंड में चुनावी रैली कराने का प्लान बनाया है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से होगी। नीतीश इसी महीने बनारस में मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भर सकते हैं। उर्मी बाहुल्य इलाके वाराणसी के रोहनिया में 24 दिसंबर को उनकी जनसभा कराने की तैयारी चल रही है। हालांकि सीएम के हवाले से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। उनके यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें भी तेज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी महीने यूपी से लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। उत्तर प्रदेश के जेडीयू संयोजक सत्येंद्र कुमार ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आगामी रैली कार्यक्रम जेडीयू का है, ये इंडिया गठबंधन की साझा जनसभा नहीं है। बताया जा रहा है कि वाराणसी के जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान में सीएम नीतीश कुमार 24 दिसंबर को रैली कर सकते हैं। लंबे समय से नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश की किसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। नीतीश कुमार की वाराणसी रैली का कार्यक्रम आने के बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं। प्रयागराज की फूलपुर लोकसभा सीट से नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की संभावनाएं ज्यादा हैं। हालांकि अभी तक पार्टी की ओर से इस बारे में कुछ भी तय नहीं किया गया है। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। नमस्कार। गुरु फतेह। आदाब। नमो बुद्धा।